लोग अंडा ऐसे देते थे। चौथा मैं मिथुन को ऊपर राइड करता था। आफ्टर 2-3 डेज बाद देखिए गाइस लाइट आ गया। हे गाइस पूरा बारिश में भीग चुके थे हम, अभी जस्ट नहाया सब बैठे हुए, अभी फिर बारिश रुक गया, सब हालत खराब हो गया था ना, पूरा भीग चुके थे, मैंने इतना मोरम सी ही कर रहा था। ये देखिए गाइस पापा वो बना रहे हैं, पापा बना रहे हैं ट्रेड, और हिंदी में बोलते हैं इसको रस्सी, और हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ओसो, जो कि है बैम्बू का। ये देखिए इसको ना ऐसे पील करके ऐसे घुमा घुमा के इस पे रखते हैं ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, घुमाने से ना वो अलग से टाइट हो जाता है, आई मीन हार्ड हो जाता है, एंड देन ये स्ट्रांग होते हैं, और ये ना मिठुन पकड़ने में यूज में आता है। कल स्पेशल दिन है, कल के ब्लॉग में बताऊंगी कल क्या स्पेशल दिन है। और पापा ने मुझे बताया कि इसको जितना ऐसे घुमाएगा ना उतना ही ये रस्सी जो स्ट्रांग होता है, और ये ना मिठुन को पकड़ने में काम आता है। जो प्लास्टिक ट्रेड वगैरह होता है ना वो मिठुन पकड़ने में काम नहीं आता है, इसलिए इसको ना मिठुन के लिए स्पेशली बना रहा है पापा। और ये देखिए मेरे चाचा का डक्स, एंड लुक एट द व्यू गाइस, कितना सुंदर मौसम हो रखा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुर्गी है, पता नहीं किसके है, बट लुक एट द चिकन, सो क्यूट इजंट इट। बचपन पे ना मम्मी के पास में बहुत ज्यादा मुर्गियाँ होती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे, और शाम होते मम्मी हम लोग को ना पकड़ने के लिए बोलते थे। आई यूज टू हेट यू नो बिकॉज मुझे ना बहुत बहुत डर लगता था क्योंकि उसके मम्मी अटैक करते थे। देखिए गाइस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, और कल बहुत ही स्पेशल दिन है, ज़रूर से कल के व्लॉग भी देखना गाइस। सो गाइस आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सा चीज़। आई कम विद मी, लेट्स गो। उधर देखो ना, चुप ना। ओ माय गॉड, ज़ूम करो। ये पूछने से ये देखिए गाइस ये क्या है, ये डक का अंडा है, देखो घर के नीचे पे है, गुफा के अंदर। देखिए ये देखिए गाइस हमारे यहाँ पे डक लोग अंडा ऐसे देते, देखिए घर के नीचे पे कितना फ्रेश फ्रेश। नहीं चुना है क्या? ओहो शिट, नहीं तो पकड़ा वाला को लेके खा देगा। चलिए गाइस मैंने गलती से एक को हाथ में पकड़ लिया था, तो ये खराब हो जाएगा ना। चलो फिर ठीक है, लेट्स गो। और इधर आइए गाइस, ये हमारा मेरा पापा का प्रॉपर्टी है, मेरा आईब्रो नहीं है ना, इट्स ओके। अभी जस्ट नहा के आई थी मैं, लोशन वगैरह बजने लगा, दैट्स ओके। ये देखिए मिथुन, नीक तक मिथुन, इसको मैं अभी फीड करूँगी। ये लोग ना नमक खाता है, काटेगा तो नहीं ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं ऐसे करो यार, को दो ना। दो नहीं तो इसको दे दो, या दे दो, इतना प्यारा है, हाथ तो चटेगा, डरता ही ये दिखाओ ना, फिर उधर से ही जा। चौथा मैं मिथुन को ऊपर राइड करता था, एक्टिंग कर रहा, ब्लॉग कर रहा था। ब्लॉग में बोल दिया इतना तकलीफ दे रहे दो। ये हमारा मिथुन है, नमक खाता है हमारा मिथुन, हमारे मिथुन चिटकब रहा है ऐसे बचपन में, पानी दे दो ना। हमको मांग रहा हो, लो लो लो, तुम नचे दे दो ना, इतना तकलीफ उसको तो करा दे। हम नहीं हम यार, ये देखिए गाइस इतना प्यारा भाई है हम लोग के लिए, ये हॉर्स लेकर आया है जंगल से, इतना बारिश में भी देखिए 9 रुपए खेल खेल दो।
तेरा क्रैक को बन रहेगा। ये देखिए गाइस, इसको अभी ना नया बैम्बूज लगाएंगे क्योंकि ये काफी पुराना हो चुके और काफी वीक हो चुके। ऐसे मोटू लोग बैठेंगे तो नीचे गिरेंगे, इसीलिए पापा वहाँ से बैम्बू काटने गए हैं और मम्मी इसको निकाल रहे हैं और भाई लोग भी लेने गए हैं। अभी यहाँ पे न्यू लगाएंगे, जैसे हम लोग ने ताजगी विलेज पे लगाया था ना, वहाँ का घर पे भी बनाया था जब नया नया, वैसे लगाएंगे यहाँ पे। मेरा हाथ पूरा सूज गया, देखे ना यहाँ पे जंगल पे आके। ये देखिए गाइस, मैं ना दो एग लेकर आया चुरा के, हास का आई मीन डक का एग। मैंने आज से पहले कभी एग का डक नहीं खाया। तेरा क्या बोला तूने? मैंने आज से पहले कभी एग का डक नहीं खाया। आज मैं ट्राई करूंगी, इसको बॉईल करूंगी अभी मैं। ये देखिए गाइस, अभी ये लोग पूरा काट रहे हैं ना, इसको निकाल के इसको फिर आग जलाया जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा ये सारा ना। और नीचे देखिए पूरा ब्रा पेंटी लगाया हुआ है, ये गाँव है गाइस, यहाँ पे ऐसे ही चलते। ओले मोटू कारिंग मोटू कारिंग, प्यारा बच्चा है देखो ना ये भाई। देखिए गाइस यहाँ कितना काम कर रहा है ना, इसका मम्मी तो ये वीडियो देख के ना रोएगा। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे अंडा उबल रहे हैं, ये ना हमारा ट्रेडिशनल है। पहले जमाने पे ना ज्यादा बर्तन वगैरह नहीं होता था तो मम्मी लोग ना ऐसे यूज करते थे, तो उसको मैंने फील करने के लिए वहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया और मैं यहाँ पे एग को बॉइल कर रही हूँ। देखिए कैसे उबल रहा है, क्योंकि गांव पे आया ना तो गांव का वाइब आनी चाहिए ना। आजकल ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया इसलिए मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं ना पूरा गांव का वाइब लेने के लिए ये मैं पता है कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया। ये देखिए कैसे उबल रहा है, वो ऐसे करते हैं गाइस। ये बैम्बू है ना, इसीलिए इसको ऐसे छेद करना पड़ता है, वरना इसको जब जलाएगा ना ये फटेगा, लोगों के मुंह पे आएगा, इसीलिए ये छेद करना पड़ता है। ये देखिए गाइस, आजकल के बच्चों को ना कुछ भी काम करना नहीं आता, भारत माता है ना कुछ नहीं आता। माला तो देखिए सुपर कूल माला। ये देखिए गाइस एग, मुझे इसे छिलने में ना हाफ एन आवर लग गया, इतना मुश्किल है ना छिलने को। अजीब सा है खाने में, बट सेम एग ही है, बट थोड़ा सा अजीब सा है, चिपको चिपको मुंह में लग रहा है। गाइस आप लोग मम्मी का रेसिपी पूछ रहे थे ना सैलेड का, पर ये इस बार मम्मी कुछ और सब्जी का सैलेड बना रही है। देखिए ये है होगिंग तमिंग सब्जी और ये है रूर टमाटो प्याज और चिल्ली। अब इसको ये पीसेस करेगा मम्मी पूरा काट के, उसके बाद में यहाँ पे रेडी हो रही है तनम, ये हमारा लोकल इंग्रेडिएंट्स है। गाइस ये हमारा ट्राइबल ट्रेडिशन है, यहाँ पे पॉपकॉर्न ऐसे फुटा के खाया जाता है, जितना फुटेगा उतना गरम गरम। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सब गरीब लोग, ये देखो काइंग पे तले कर, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे इन्या इतना इसके लिए इतना आर्गुमेंट्स। ये कुंटा भी ऊपर जाम कुत्ता बन गया और गिर गिर के आया क्या। ये देखिए मम्मी का सैलेड ऑलमोस्ट हो चुके हो। जो अभी बैम्बू लाया था ना गाइस, इसको यहाँ पे ऐसे लगा के इसको जलाया जाता है एंड देन उसको खाता है, बॉईल भी खाते हैं इसको। क्या बोला है, मिट्टी का डालता है, मिट्टी ऊपर में भी तो डालता है ऐसा, उसका दफन किया जाए। मामी ऐसे भी तो जलाता है, सिर्फ कम तो जलाए। ये लोग बोल रहे कि ये लोग, मैंने ऐसे लगा दिया ना तो इन लोग मेरे को मजाक उड़ा रहे। ये लोग बोल रहे कि इसका अंदर पे ऐसे दफन किया जाता है। ये देखिए गाइस, बहुत बहुत स्मार्ट लोग, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग। देखिए वाह 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 कारिंग वाह। नो परिज पाई, ये ऑलरेडी हो चुके गाइस। देखिए अभी इसमें लास्ट जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो डालना है। चलो मम्मी डालो उसको। ये है तनम, तनम को पता नहीं इंग्लिश या हिंदी से क्या तिल, बोलते तिल। ओ हाँ तो तिल, तिल मिक्सर करेगा, अभी मिक्स करेगा। हाँ तिल मिक्सर करेगा, इसको पूरा मिक्स करेंगे एंड देन इसको
परोसेगा फिर। आफ्टर टू थ्री डेज बाद देखिए गाइस लाइट आ गया। ये देखिए कितनी खुशी की बात है। अब चार्जिंग पॉइंट फुल हो रखे, सब के सब सब लड़ाई झगड़ा कर रहे चार्जिंग करने के लिए।